हेलो स्प्रेंड तो कैसे हैं आप सब सो इन द थीमेटिक सीरीज टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हेल्थ सेक्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवरी ईयर दे आर एवरेज ऑफ ट्वेल्व टू फोर्टीन क्वेश्चन आउट ऑफ दैट हेल्थ क्वेश्चन दो से तीन या कई बार दो या एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है बट इज हैविंग द मेजर एवरेज ऑफ टू क्वेश्चन एवरी ईयर हेल्थ में क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आते हैं डिजीज का एरिया स्पेसिफिकली है वैक्सीनेशन का एरिया है कोई डिजीज न्यूज में है उसका एरिया है कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई है उसका एरिया है ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिकली इन द हेल्थ सेक्शन इन दिस सीरीज वी आर डूइंग द 1979 टू 2024 क्वेश्चन हम कर रहे हैं स्पेसिफिकली थीमेटिक वाइज कर रहे हैं थीमेटिक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है थीमेटिक आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है जिस भी एरिया में आप वीक हैं आपको आइडेंटिफाई हो जाता है इजिली किस क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हैं किस एरिया के क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं आपके पास एक माइक्रोलिस्ट आ जाती जा है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है किस एरिया से कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है किस सब्जेक्ट में कौन सा एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ पे वेटेज ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है कहाँ से आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ से एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये सारे आपकी क्लैरिटी हो जाती है अगर आप इस प्रोग्राम के क्वेश्चन को अटैप्ट करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है यू कैन अटैप्ट दो क्वेश्चन फ्रॉम द एडुकेमी पोर्टल द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट सेक्शन इसके साथ साथ आपको एक एडुकेमी के जीएस क्लास नोट्स भी दिए जा रहे हैं आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आई कैन शोर दैट्स अ बेस्ट क्वालिटी ऑफ नोट्स अवेलेबल इन द मार्केट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द लिंक आफ्टर द टेस्ट Okay, so let's start with the health section today. Health section, this is the first part. We're coming up with the three top three uh, videos of the health section because this is an important area. Two to three question every year. So let's start with the part number one. Okay, so the question number one. The question number one is here from the 2023. The Volbachia methods. The Volbachia method is sometimes talked with about the reference to the which of the following. It is the controlling the viral disease spread by the mosquito. So by the simple question. इस तरीके के क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है मेंशन था मलेरिया पे डेंगू पे बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही थी जिसके लिए मेथड पूछा गया डेथ रेट इंक्रीज होने से या स्प्रेड इंक्रीज होने से मेथड्स के बारे में न्यूज थी दैट्स लीड टू द यूपीएससी टू आस्क क्वेश्चन ऑन इट तो इस तरीके के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन

सो इन द मोस्ट ऑफ द केसेज इस तरीके का स्टेटमेंट सही होता है बट इन सम केसेस गलत भी होता है तो आपको वो देखना होगा कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है टू अगर स्टेटमेंट जो कहना चाहते हैं उसका पॉसिबिलिटी है यू कैन मार्क दैट स्टेटमेंट राइट बायोफिल्म कन फॉर्म द मेडिकल इंप्लांट्स येस दे कैन फॉर्म बायोफिल्स मीनस दैट्स अटेबल टू द ह्यूम एंड बायोडिग्रेडेबल होता है बायोफिल्स जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर यूज किया जा सकता है कैन फॉर्म द फूड्स एंड फूड प्रोसेसिंग सर्विस जो रिएक्ट नहीं करेगा स्पेसिफिकली फूड से कैन एक्जिबिट एंटीबायोटिक रजिस्टेंस यस दिन एक्जिबिट द एंटीबायोटिक रजिस्टेंस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी वन टू एंड थ्री इट्स अ कम्प्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने अभी तक देखा है बायोटेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी नाउ वी आर डिस्कसिंग द स्पेसिफिकलीका मेजर आइडिया अबाउट होता है स्पेसिफिकली रिलेटेड एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए जो भी मेथड जो भी मिशन यू न्यूज में है उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए

स्पेसिफिकली ऑफ जनरल स्टडी कैसे यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है वो वहाँ से हमें पता लगता है दैट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू फाइव टू सिक्स टेस्ट होते हैं आपके यूपीएससी मिक्स टेस्ट जिससे आपको यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न में इवोल्यूशन के बारे में पता लग जाता है वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द करजन सेटमोस्ट ट्वेंटी फाइव क्लासेस वी आर कविंग द करंट अफेयर फ्रॉम अप्रैल ट्वेंटी फोर अप्रैल दो हजार चौबीस से अप्रैल दो हजार पच्चीस तक के सारे करंट अफेयर हम कवर करते हैं इफ़ यू आरिंग फी आर

प्रिलिम्स क्वालिफाई करने का सपना पूरा होगा दैट्स कैन बी डन थ्रू द द प्रिलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम एंड करेंगे तो आप ही दैट्स वी आर प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आपको करना है क्या चीज इंपॉर्टेंट है कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है कैसे पढ़ना होता है किस टॉपिक पे फोकस करना है अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए दैट्स ऑल वी आर टीचिंग इन आर क्लासरूम्स नेक्स्ट लेट्स कम दो नेक्स्ट लास्ट ईयर के प्रलिम्स में क्या क्या हमने किया क्या रिजल्ट रहा दैट्स फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिस इज द आई कैन यू दिस इज द हाइएस्ट इन द इंडस्ट्री इससे ज्यादा रिजल्ट कहीं का नहीं है मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द क्वेश्चन अपियर इन टू द एग्जामिनेशन इसके डायरेक्ट हिट वीडियो अवेलेबल हैं है पे आप देख सकते हैं जो हमने क्लासरूम में पढ़ाया जो हमने टेस्ट सीरीज में कराया उससे ही क्वेश्चन अपियर हुए हैं And the third, it will increase your accuracy, it will boost your confidence. That is the requirement of the examination. Okay. So, let us move to the question number three. In the context of the vaccine manufactured to prevent COVID 19, consider the following statement. The Serum Institute of India produced COVID 19 messenger RNA platform. It is a protein based vector based vaccine. It is not a messenger RNA based vaccine. So, at that time, COVID 19 used different kind of vaccination market available a protein based. वैक्टर बेस्ड वैक्सीन है मैसेंजर आर एन एस्ड वैक्सीन अभी डी एन ए बेस्ड वैक्सीन भी आ गए हैं। सो uh, so हमें पता होना चाहिए कौन सा वैक्सीन किस प्लेटफॉर्म पर बना है किस तरीके का वैक्सीन यू पी एस सी कैंडिडेट्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो आपको पता होना चाहिए अगर आप लगवा रहे हैं कोई वैक्सीन न्यूज में क्या आ रहा है क्या डिफरेंस है इन वैक्सीनेशन में मैसेंजर आर एन ए वैक्सीन डी एन ए वैक्सीन से कैसे डिफरेंट है वो आपको पता होना चाहिए सो द आंसर ऑफ वन इज रॉन्ग इफ आई कैन कम टू द ऑप्शन

तो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन आई नो कैन नॉट से की बहुत ईजी क्वेश्चन है बट इट्स एल टू एल थ्री लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा सा डीप स्टडी किया होता तो यू कैन आइडेंटिफाई यस दिस आर द स्पीड ऑफ स्प्लाइड ऑफ द वायरल डिजीज तो आप इसको मार्क कर सकते हो सही तरीके से लेट्स मोर टू द क्वेश्चन नंबर फाइव इन द कॉन्टेक्सट ऑफ द हेरीडिट्री डिजीज़ कंसिडर द फॉलोइंग हेरिडेटरी डिजीज जो मदर से चिल्ड्रन में फादर से चिल्ड्रन में आती है हमको हेरिडेटरी डिजीज़ बोलते हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आता है पासिंग ऑन द माइटोकोन्डियल डिजीज फ्रॉम द पेरेंट्स टू चाइल्ड कैन भी प्रिवेंटेड द माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट यस किया जा सकता है इसको थ्री पेरेंट बेबी भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को रिप्लेस किया जा सकता है अ चाइल्ड इनहेरिट माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एटायरली फ्रॉम मदर ये मदर तो के में ही स्पेसिफिकली जो माइक्रोकॉन्डियल डिजीज अफेक्ट होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया नॉट वर्किंग इन टू द मदर सेल तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है किसी दूसरे एग डोनर के माइट्रोकोड्रिया से इसीलिए उसको बोला भी जाता है थ्री पेरेंट बेबी क्योंकि थ्री पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वन इज द ओरिजिनल मदर फादर एंड द थर्ड हु इज द डोनर ऑफ द एग जहां से माइटोकॉन्ड्रिया लिया जाता है ओके सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ वन एंड टू दिस इज योर बाउट द क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक आपको किसी टॉपिक पे कितना क्लैरिटी है वो मैटर करता है इस तरीके के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए continuously in the news UPSC पहुंच भी चुका है क्वेश्चनोकल कंजुगेट वैक्सीन अगेंस्ट न्यूमोनियाल है तो इट्स अगेंस्ट द न्यूमोनिया एंड दल्सो and dependence on the antibiotic that are not effective against the resistant bacteria can be reduced yes it can be reduced have no side effect aisa possible hi nahi hai ki kisi vaccine kisi tablets kisi drug ke side effect na ho every vaccine every drug every dose is having the side effects covid vaccine ke bhi kitne side effects lage na ज्यादा अमाउंट में पीसीएम भी खा लोगे तो लीवर खराब हो जाएगा That's the side effects ऑफ द पैरासिटामोल जो हर कोई खा लेता है सो हर एवरी वैक्सीन हैविंग साइड इफेक्ट सो थर्ड इज नॉट करेक्ट आम गोइंग टू द ऑप्शन आई कैन एलिमिनेट दी एंड अगर आपको पहले दो पता भी नहीं है तो अभी आप आंसर तक पहुंच सकते हो सो द आंसर विली वन एंड टू क्वेश्चन नंबर सिक्स नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अगेन यू शुड फोकस ऑन दिन टेक्स क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है

ग्लोबली नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विदर्साइम बोथ स्टेटमेंट अ करेक्ट अगर मैं ये देखू तो मुझे पता लग गया कि बीज इन करक्ट बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी क्वेश्चन नंबर सेवन आंसर इज बी क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ दिजीज सेक्सलिंग रोयल हीमोफीलिया एंड हाइपर टेंशन हेमोफीलिया ही एक डिजीज है दैट इज लिंक एज अ सेक्सलिंग डिजीज बाकी नोट द सेक्सलिंग डिजीज

नाउ लेट्स मोर दू द क्वेश्चन नंबर एलेवन क्वेश्चन नंबर एलेवन इज रिलेटेड वाइटामिन ये पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे इस तरीके का वाइटामिनस एंड दिन की डेफिशंसी से क्या क्या डिजीज होती है अभी यू पी एस सी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा डायरेक्टली बट दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस पूछा जा सकता है तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए अबाउट द वॉर सोल्यूबल एंड द फैट सोल्यूबल विटामिन एंड कैसे उनकी अवेलेबिलिटी होती है कौन से मेजर सोर्सेस हैं अगर हम बात करें यहाँ पे तो विटामिन सी सेटामिन से रिकेट्स किया होता है विटामिन ई से, e से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होती विटामिन ए e से होता है आंसर इज वन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे आते मिनरल्स आपकी बॉडी में बहुत सारे मिनरल प्रेजेंट हैं सोडियम एक है अभी तो मिनरल्स रिक्वायर्ड द ह्यूमन बॉडी फॉर ऑफ मसल्स आई कैन से दिस इज अ प्योर बायोलॉजी क्वेश्चन डी वन टू एंड थ्री लेकिन आपकी ये इलेवेंथ क्लास की बुक्स में गिवन है एन सी आर टी में बेसिकली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर नो रीडिंग द एनसीआर टी लेकिन मैं आई कैन सजेस्ट यू जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है आपके एन सी आर टी बुक्स में इन द ट्वेल्थ क्लास लास्ट में इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले चैप्टर्स हैल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर्स है आपके ट्वेल्थ क्लास के एन सी आर टी में इलेवेंथ क्लास के एनसीआर में ह्यूमन uh, फिजियोलॉजी वाले यूनिट्स हैं जहाँ पर बेसिक अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पता होना चाहिए इसके साथ साथ फर्स्ट यूनिट्स में प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम वहाँ पे स्पेसिफिक स्पेसिफिक इन द प्लांट किंगडम कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम है जो यूपीएससी उठा उठा के पूछ रहा है बार बार जो आपको लगता है कि एनवायरमेंट के एरिया में एक किस तरीके के क्वेश्चन आ गए वो एनसीआर से से अपीयर हो रहे तो एनसीआर टी ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जामिनेशन ओके सो वट इज द प्रोमेंडोटिव हियर प्रोमेंडोटिव नई डिस्कवरी के बारे में पता होना चाहिए इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीन्स करंट अफेयर्स से आप वाकिफ हो डिजीज एंड वैक्सीनेशन के बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज उनका वैक्सीनेशन किस तरीके का किस प्लेटफॉर्म पर बनी है कैसे स्प्रेड होती हैं न्यू कंसेप्ट एंड टर्म्स को लाइक द एज टू पूछा गया न्यू कंसेप्ट था आप लोगों के लिए तो पता होना चाहिए इसके साथ साथ बोलबाची मैथड भी पूछा गया न्यूज में था वो पूछा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर पूछा जा सकता है रोबोटिक्स इन द हेल्थ केयर नैनोटेक इन द हेल्थ केयर